वो बिल्कुल फेस होना चाहिए कि जनता को पता होना चाहिए कि अगर एक साइड से मोदी है तो दूसरे साइड से कौन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहता है कि बिना फेस के चुनाव के बाद तय करेंगे, लेकिन उस चार के चार जो लीवर्स हैं वो पहला लीवर फेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपने नैरेटिव बना लिया, अगर आपकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गई, अगर आपने कैंपेन कर लिया, तो इन तीनों से कोई एक फेस आगे निकल कर आ सकता है। 2019 में भी कर लिया था ना? कर लिया था तो उसका मतलब क्या? कर लिया तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। किसने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन कर लिया? किसने कहा कि नैरेटिव बना पाए? नैरेटिव नहीं बना पाए। अच्छा, तो अब आपको पैन इंडिया, आपको नैरेटिव चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी करेगा कि प्रशांत किशोर ना, वो आईपैक और प्रशांत किशोर की क्या ताकत है? देखिए अभी बीजेपी के पास जो तीन बड़े लीवर्स हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, वो एक उनका हिंदू मुस्लिम रिलीजियस जो भी है, एक आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर, तीन है भाई, मैं तीन बोला, आप खुद ही बोले डेवलपमेंट नहीं। भाई पहला उनका लीवर एक है ये रिलीजन वाला, जो आइडियोलॉजिकल आप कह सकते हैं। दूसरा लीवर उन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म का बना रखा है, जो भाई बीजेपी को अटैक करे, जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले वो एंटी नेशनल है। कितने दिन आप प्रोग्राम करती हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं बीजेपी को कि आपने उसको एंटी नेशनल? तो आप क्या चाहते हैं, उनको सपोर्ट करूं जो कहते हैं कि हमारे चार जवान मरे हैं लेकिन पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मैं उनको सपोर्ट करूं? आप कहां हैं इस पे? मैं आ रहा हूं उस पे। मैं पहले आपको ये बता दूं कि बीजेपी की नैरेटिव के जो तीन महत्वपूर्ण कड़ी है, एक तो उनका आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, दूसरा उन्होंने चालाकी से या समझदारी से या बहुत मेहनत करके ये जोड़ लिया है नेशनलिज्म का प्लैंक, और तीसरा जो उनका हाउसहोल्ड और इंडिविजुअल लेवल का वेलफेयरिज्म है। ये तीनों बहुत पुट टुगेदर इट्स अ वेरी फॉर्मेटिव नैरेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। इसका काउंटर करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको परेशानी आने वाली है। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जैसे तो ऑप्शंस क्या है काउंटर नैरेटिव के? अब वो तो जो बैठ के तय करेंगे, जो लोग काउंटर नैरेटिव बनाएंगे उनको ये तीनों फैक्टर देखना पड़ेगा कि आपको रिलीजियस पोलराइजेशन एक सीमा से ज्यादा न हो, ये हाइपर नेशनलिज्म या नेशनलिज्म या नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, इसका एक काउंटर ऑफरिंग आपके साइड ऑपोजिशन की साइड से होना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी वेलफेयरिज्म मोदी जी या मोदी जी की सरकार कर रही है उसका बेहतर ऑफर, उससे बेहतर ऑफर आपको वो तो दिया था राहुल गांधी जी ने, उन्होंने दिया था 6,000 का न्याय की एक बात उन्होंने करी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बात नीचे तक उतर पाई या जनता के समझ में आई। और ये मेरा आकलन नहीं है, अगर जनता ने उस पर वोट नहीं किया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है। अगर जनता को बात समझ में नहीं आई और उनको जनधन अकाउंट ज्यादा कारगर दिख रहा है या 2,000 जो किसानों को ट्रांसफर हो रहा है वो उनको ज्यादा कारगर दिख रहा है बजाय इसके कि 6,000 रुपए जो यूनिवर्सल इनकम की बात कही गई थी, तो इसका मतलब है कि जो 6,000 का जिन लोगों ने भी प्रपोज किया था उसको दे हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड री लुक एट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों का काउंटर ऑफर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई नैरेटिव की बात, अब आते हैं फेसेस की बात। अब फिर ऑप्शन, ऑप्शंस क्या? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनमें से निकल सकता है, ऐसा भी संभव है कि जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है वो फेस बन के आ सकते हैं। अन्ना हजारे फेस बनकर आ गए इस वक्त, तो मुझे एक ही आदमी लग रहा है जो पॉलिटिक्स में नहीं है और जो आ सकता है। अच्छा, वो कौन है? प्रशांत किशोर। मैं तो अभी आपने इतने देर से तो आप मुझे पॉलिटिशियन कह रहे हैं। नहीं, अब तक तो आप एडवाइजर थे, अब तक तो आप एडवाइजर थे, फिर आप पाला बदल दिए। नहीं, अब तो आप एडवाइजर थे, बिजनेसमैन थे, फिर बिजनेस कर रहे थे पॉलिटिक्स का, फिर पाला बदल लिया आपने। मैं पाला बदलूंगी? मैं ऐसा थोड़ी हूं, जबरदस्ती जैसी स्टोरी होगी वैसा स्टैंड होगा, जबरदस्ती चला रहे हो कुछ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेस है इट इज, ये जरूरी नहीं है कि वो एस्टेब्लिश लीडर ही कोई हो, वो कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, जिस पर भी सारी पार्टियों का, जिसके नाम पर भी सबकी सहमति हो जाए, जिसकी एबिलिटी हो कि ये नैरेटिव नया बना सके और जिसकी एबिलिटी हो कि इस नैरेटिव और पार्टियों को साथ में ले जाकर ग्राउंड पर एक इफेक्टिव कैंपेन खड़ा कर सके, वही चेहरा होगा। वो ममता जी भी हो सकती है, राहुल जी भी हो सकते हैं, कोई उद्धव जी भी हो सकते हैं, शरद जी भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, वो मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है नहीं। वी हैव टू ट्रस्ट द विजडम ऑफ पीपल। जो जैसे मोदी जी को भी जनता ने या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऊपर बनाया कि भाई इनका ही चेहरा होना चाहिए।